न्यूज की ओर से मैं नेहा मिश्रा, देश की खास खबर पर एक नजर। पुलवामा आतंकी वार का बदला, पीएम मोदी ने सुरक्षा बलों को दी पूरी छूट और पाकिस्तान से छीना MFN का दर्जा। पीएम मोदी ने कहा कि बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी शहीदों की शहादत की, हमले के जिम्मेदार लोगों को मिलेगी सजा। साथ ही साथ हरियत के 5 नेताओं को सुरक्षा हटाई गई, जिसमें हाशिम कुरैशी, शब्बीर शाह, बिलाल लोन, मिरवाइज उमर फारूक अब्दुल, अब्दुल गनी भट्ट शामिल थे। आपको बता दें, MFN का मतलब मोस्ट फॉरवर्ड नेशन, यानी सर्वाधिक तरजीही देश का दर्जा। पाकिस्तान से यह दर्जा छीनना यानी निर्यात और आयात में परेशानी, जिसका मतलब सस्ते सामान के लिए तरस जाएगा पाकिस्तान। सीमा निर्यात में 200% की बढ़त। पुलवामा अटैक के बाद खबर आई है कि CCI ने इमरान खान की तस्वीर को ढका, BCCI ने स्थायी तौर पर हटाने की मांग की। पोखरण में वायुसेना ने दिखाई अपनी ताकत, लड़ाकू विमानों का प्रदर्शन देख दुश्मन देश भी सहमा। पुलवामा आतंकी हमले के बाद वायुसेना ने दुश्मन को दिखाई अपनी ताकत। वायुसेना ने पोखरण में सबसे बड़ा युद्धाभ्यास वायु शक्ति 2019 का किया प्रदर्शन। इस युद्धाभ्यास के दौरान ताकत और मारक क्षमता का खुलकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें 137 लड़ाकू विमान टारगेट को उध्वस्त करते नजर आए। MiG-21, बायरसन MiG-27, MiG-29, MiG-20, MKI जवाहर जैसे विमान शामिल थे। जम्मू कश्मीर में राजौरी में LOC के पास बड़ा ब्लास्ट, मेजर चित्रेश वशिष्ठ शहीद। पुलवामा आतंकी हमले में 40 घंटे के भीतर यह दूसरा बड़ा ब्लास्ट हुआ है। इस धमाके में सेना के एक अधिकारी शहीद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक नियंत्रण रेखा की तलाशी के दौरान यह धमाका, मेजर त्रिवेश आने वाली 7 मार्च को विवाह संबंध में बनने वाले थे। देहरादून के रहने वाले मेजर त्रिवेश विष्ट 31 साल के थे। राजौरी जिले में नौशेरा क्षेत्र में आतंकी द्वारा IED बिछा रखी थी, दूसरी IED को डिफ्यूज करते वक्त एक्टिवेट हो गई और यह धमाका हुआ। देश कर्जदार है उस मां का, जिसने बेटे नहीं शेर पैदा किए। MNS न्यूज लाइव शहीदों की शहादत को सलाम करता है। MNS न्यूज लाइव देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MNS हिंदी ऐप डाउनलोड कर चैनल सब्सक्राइब करे और लाइक करे। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूले। धन्यवाद।